किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जीवन में धैर्य बनाए रखिए क्योंकि अंधेरी रात के बाद भी चमकीला सूर्य जरूर आता है नमस्कार दोस्तों मैं हूं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में दोस्तों आज का वीडियो रीजनिंग का है जिसका पार्ट नंबर नौ है दोस्तों यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एस एस ग्रुप डी रेलवे तथा तो अन्य काफी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों यह दिशा से संबंधित क्वेश्चन है कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में पंद्रह मीटर चलता है फिर अपने दाएं मुड़कर पंद्रह मीटर चलता है उसके बाद अपने बाएं मुड़कर दस मीटर चलता है फिर से अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है तो वह बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है तो बताइए दोस्तों दोस्तों दोस्तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक समझाना चाहूँगा कि जब भी दिशा से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा यहाँ पे दिशा का ज्ञान रहना अति आवश्यक है और इस टाइप के क्वेश्चन लगभग लगभग हर एक एग्जाम में पूछ ही दिए जाते हैं तो देखिए दोस्तों कभी भी आपको दिशा से संबंधित हो तो दिशा आपको ज्ञात कर लेना हो यानी कभी भी जब भी मैप पे या कहीं पर भी तो दोस्तों जो ऊपर होता है यानी दिशा इस 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 टाइप से होता है यानी ऊपर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा उसका जस्ट विपरीत हो जाएगा दक्षिण फिर इधर हो जाएगा दोस्तों यानी जो फिर दाहिने साइड में हो जाएगा यानी इधर हो जाएगा पूर्व हो जाएगा और इधर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम देखिए दोस्तों कह क्या रहा है कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में पंद्रह मीटर चलता है यानी सपोज की दोस्तों की कोई व्यक्ति है यहां पे देखिए है वह दक्षिण दिशा में यानी नीचे की ओर पंद्रह मीटर चलेगा यहां पे बिंदु से पंद्रह मीटर हो गया पंद्रह मीटर चलता है उसके बाद क्या रहे अपने है। तो है, फिर अपने दाएं मुड़ जाता है तो बताइए दोस्तों फिर अपने दाएं किस ओर मुड़ेगा यानी फिर वह पंद्रह मीटर चलेगा यानी उसके बाद फिर वह पश्चिम दिशा की ओर यानी दाएँ इधर मुड़ जाएगा इधर फिर पंद्रह मीटर मुड़कर पंद्रह मीटर चलता है यानी पंद्रह मीटर इधर भी चलेगा उसके बाद अपने बाएं मुड़कर दस मीटर चलता है तो बताइए दोस्तों फिर उसके बाद फिर बाएं भी मुड़ जाता है देखिए दोस्तों शुरुआत शुरुआती में क्या कहा है कि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में पंद्रह मीटर चलता है यानी मानते हैं यहाँ पर बिंदुपा दक्षिण वो खड़ा है नीचे दक्षिण दिशा की ओर पंद्रह मीटर चला यानी यहाँ से यहाँ पे आया पंद्रह मीटर उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद अपने बाएं मुड़कर दस मीटर च अपने दाएं मुड़कर पंद्रह मीटर चलता है तो यहाँ से भी यहाँ पे पंद्रह मीटर हो गया फिर उसके बाद क्या कर करें उसके बाद अपने बाएं मुड़ जाता है यानी बाएँ किधर मुड़ेगा दोस्तों तो दोस्तों देखिए फिर इधर मुड़ जाएगा इधर कितना चलेगा तो दस मीटर तो बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थिति से कितना दूरी पर है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा सपोज कि यहाँ पे तो खड़ा है यानी यहाँ पे वो खड़ा है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पंद्रह हो गया पंद्रह एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है अगर यहाँ इसको ऐसे मिला दे इसको इसको यदि मिला दें तो यहाँ तो फिर इसका भी दूरी तो दोस्तों बराबर ही रहेगा यानी दस तो बताइए दोस्तों वह टोटल दूरी कितना हो गया यहाँ पे जो बिंदु पास यहाँ खड़ा है उससे कितना दूरी हो गया तो यानी पंद्रह प्लस दस यानी टोटल कितना हो गया दोस्तों यानी हमारा पच्चीस मीटर अपने प्रारंभिक स्थिति से वह दूरी पर है यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी वह पच्चीस मीटर की दूरी पर है देखिए दोस्तों फिर से इसको समझाने का प्रयास करते हैं कोई व्यक्ति अपनी स्थिति में खड़ा है वह वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर पंद्रह मीटर चलता है यानी पंद्रह मीटर यहाँ से चल रहा पंद्रह मीटर उसके बाद कहता है फिर वह अपने जो है वह अपने दाएं मुड़ जाता है हाँ दोस्तों फिर उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है यानी दाएं मुड़कर भी पंद्रह चलता है फिर कह रहा है उसके बाद वह अपनी बाएं मुड़ जाता है तो बाएं मुड़ता है यानी इधर इधर दस चलता है दोस्तों देखिए यदि इसको हम ऐसे मिला सकते हैं ऐसे मिला दें तो यहाँ तक तो हो गया पंद्रह यानी ये टोटल पंद्रह हो गया दोस्तों यहाँ पे जितना इधर दस है तो इधर भी तो दस ही ना होगा यानी पंद्रह दस पच्चीस मीटर तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो तीनों विकल्पों से भिन्न हो तो बताइए दोस्तों यानी यहाँ पे कुछ विकल्प दिया हुआ है उन लोगों में से एक विकल्प ऐसा है जो तीन विकल्पों से भी है यानी टोटल विकल्पों की संख्या तो चार है तो बताइए दोस्तों तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप क्या है पहला है पच्चीस उनचास बी है एक सौ इक्कीस एक सौ उनहत्तर सी है सात एक सौ उनहत्तर डी है नौ पच्चीस दोस्तों देखिए यहाँ पे पढ़ने से ही आप लोग के कुछ लोगों को समझ में भी आ गया होगा दोस्तों यदि आपको लगता है कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं तो आप वीडियो को रोक लीजिए उसके बाद खुद से प्रयास कीजिए यदि नहीं समझ में आता है तो फिर वीडियो को चालू कर कर देखिए दोस्तों देखिए यहाँ पे पच्चीस उनचास इसको कहने से ही लग रहा है कि यह वर्ग है और सही बात है ये वर्ग भी है पाँच का और सात का उसके बाद है एक सौ इक्कीस एक सौ उनहत्तर यानी ग्यारह का हो गया अब ये को हो गया तेरह का उसके बाद है सात एक सौ उनहत्तर दोस्तों देखिए सात किसी का वर्ग है दोस्तों सात तो किसी का वर्ग नहीं है यानी हमारा यहीं पे फोल्ड पकड़ा गया यानी यही इन लोगों से भीन है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पहले आप जो उसमें जो क्वेश्चन जो वर्ड दिया रहता है उसको पहले ध्यान से बारीकी से देख ले उसके बाद फिर ऑप्शन पढ़ जाइए आपको अपने आप से लगने लगेगा कि कौन सा वर्ड इसमें है और कौन सा वर्ड ऑप्शन में है जो नहीं है ये दोनों से मेल नहीं खाता है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है इनकरेजमेंट है यानी इसको हम एक एक तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे दोस्तों यानी ई एन सी ओ यू आर ए जी ई एम ई एन टी ठीक है इसको हम पढ़ लिए दोस्तों एक दो बार भी आप पढ़ के अच्छी तरीका से कर सकते हैं इसको यहाँ पे फिर हमारा ऑप्शन ए है गेम जी ए एम ई हाँ ऊपर वाला में जी भी है ए भी है एम ही हाँ ये सही है यानी टी ई ए आर ए भी सही है एन ई -E सी के देखिए दोस्तों यहाँ पे जो के है ऊपर हम लोग के कहीं पढ़े हैं इसमें आप देखिए कहीं है के नहीं है यानी नेक तो नहीं बनाया जा सकता है यानी हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है एक भाषा में दिल्ली को सात तीन पाँच चार एक लिखा जाता है और कलकत्ता को आठ दो पाँच आठ नौ छः छः दो लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कालीकट को किस प्रकार लिखा जाएगा देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है यानी यहाँ कहना चाह रहा है दोस्तों कि यानी जो है कूट भाषा में दिल्ली को यानी जो दिल्ली है उसको क्या लिखा जाता है दोस्तों हाँ सही हो गया आप यानी दिल्ली को लिखा जाता है यानी डी ई एल एच ठीक है दिल्ली को लिखा जाता है सात तीन पाँच चार एक यानी सात तीन पाँच चार और इसका एक और कलकत्ता को आठ दो पाँच आठ नौ छः दो लिखा जाता है देखिए दोस्तों इतना बड़ा तो नहीं है मोबाइल का स्क्रीन से चूँकि हम लोग मोबाइल से जो है क्वेश्चन बनाते हैं ठीक है फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे कलकत्ता यानी सी एल सी यू टी डबल टी ए देखिए क्या कहा है कलकत्ता को क्या लिख सकते हैं आठ दो पाँच आठ इसका नौ छ हाँ तो अब अगला क्या क्या कर रहा है तो काली कट को यानी सी ए एल आई सी यू टी यानी काली कट को तो क्या लिख सकते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इतना समझ जाइएगा देखिए काली कट यानि सी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यानि आठ लिख सकते हैं सी को हम लोग आठ लिख सकते हैं आठ ऊपर देखिए यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों आठ उसके बाद ए ए को लिख सकते हैं दो उसके बाद एल एल को लिख सकते हैं पाँच उसके बाद सी ए एल उसके बाद आई आई को क्या लिख सकते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पे दिल्ली में आई की जगह पे क्या है वन एक लिख सकते हैं उसके बाद क्या है सी सी यानी फिर से आठ उसके बाद यू यू को क्या लिख सकते हैं दोस्तों तो यू को लिख सकते हैं नौ और उसके बाद है दोस्तों टी टी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों तो उसके बाद हो जाएगा टी को छः देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी लेकिन आप ध्यान पूर्वक से देखिएगा तो आप समझ जाएंगे यानी अब देखिए दोस्तों इतना समझ लीजिए उसके बाद आप हम बता दे रहे इसको पूरा रिफ्रेश करके देखिए दोस्तों दिल्ली को सात तीन पाँच चार एक लिखा है कलकत्ता को आठ दो पाँच आठ नौ छः छः दो लिखा है कालीकट पूछ रहा है ना तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सी के जगह पे क्या है सी को हम कितना नंबर लिख सकते हैं यानी सी को हम लिख सकते हैं यानी सी को आठ लिख सकते हैं ए को कितना लिख सकते हैं दो लिख सकते हैं एल को कितना लिख सकते हैं एल को भी देखिए दोस्तों यहाँ पे पाँच लिख सकते हैं सॉरी दोस्तों पाँच लिख सकते हैं इतना मिल गया आठ दो पाँच कल अब आई आई को क्या लिख सकते हैं यानी डेली में आई के जगह पे यहाँ पे वन दिया है उसके बाद फिर सी यू टी यानी सी के जगह पे फिर आठ हो जाएगा यू के जगह पे दोस्तों यहाँ पे देखिए कलकत्ता में कलकत्ता में जो यू है उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं यानी नौ हो जाएगा और टी के जगह पे दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे वो छः हो जाएगा यानी आठ दो पाँच एक आठ नौ छः यानी किसका ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है तो दोस्तों देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर बीस सही हो जाएगा तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं और आज क्या अंतिम क्वेश्चन है यह रीजनिंग का अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माता जी के पौत्र की पत्नी है अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है देखिए दोस्तों एक अरुण लड़का है वह कहता है कि यह लड़की मेरे माता जी के पौत्र की पत्नी है देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यानी अरुण है एक ये कह रहा है कि एक और लड़की जो है ना वो कह रहा है कि मेरे माता जी यानि अरुण के मम्मी के पौत्र की पत्नी है यानी हो सकता है अरुण के मम्मी का जो पौत्र होगा वह या तो अरुण का हो तो बेटा हो जाएगा या फिर भतीजा हो जाएगा यानी देखिए क्या कहना चाह रहा है अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माता जी के पौत्र की पत्नी है यानी जो अरुण के माता जी का पौत्र होगा या तो वह बेटा हो जाएगा या फिर भतीजा हो जाएगा और बेटा या भतीजा का पत्नी कौन लगेगा तो हो जाएगा ससुर यानी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों देखिए इसको फिर से हम एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता जी के पौत्र की पत्नी है यानी अरुण के माता जी के पौत्र कौन होगा आप ही बताइए यानी या, या तो अरुण का बेटा हो जाएगा या फिर अरुण का भतीजा हो जाएगा यही ना होगा तो फिर कह रहा है पौत्र की पत्नी है तो बताइए पौत्र की पत्नी यानी बेटा चाहे भतीजा की पत्नी कौन से क्या रिश्ता होगा कौन लगेगा ये यानी ससुर लग गया यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी दोस्तों यदि आपको वीडियो समझ में आती है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम